गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवर हरि हरे कृष्णा कृष्णा हरे श्लाघ्य वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सागरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावलोकं पर्यटसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादां सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते श्रीकृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा सर्वप्रथम मैं सब ड्यूटीज जो इधर उपस्थित हैं सबको हमारे भक्त उषा के साथ प्रोग्राम में स्वागत करना चाहूंगा स्वागत करना चाहूंगा। तो आज हम भगवद गीता के 13th चैप्टर वर्स नंबर 8 to 12 डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत मतलब ये 4-5 श्लोक है, तो एक बार रिपीट करेंगे, उसके बाद मतलब रिपीट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट। अदम्भित्वं साक्षांतिराजवम् आचार्य उपासन शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियादेषु वैराग्यम् व्याधि सत्य सत्य विश्वंगा पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिराव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञानश्रित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद् अतो अन्यथा। श्री प्रभु जी संतरी मिलते इसके अंदर अहिंसा शांति राजवम आचार्य उपासन शौचम स्थैर्य आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिर अनभविस्वंगा पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिराव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरते जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यथा तोऽन्यथा। शांतिराजवम् उपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः क्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्ममृत्युर्जरा दोषानुदर्शनम् शक्तिधनमस्मि पुत्रधारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु
मयि चारणयोगेन प्रचारिणी विवेकादिनिशसे विद्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यतोऽन्यथा. एनीवन एल्स रो कृष्ण अहिंसा शांतिराजवम् आचार्य उपाशनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिरन विसंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यं चाशमचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिराव्यभिचारिणी विक्तदेशसे विद्वं भारतीर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यतोऽन्यथा. माताजि अमानित्वं मदं विद्वं अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियादेशो वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरन विस्वंगा पुत्रधार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिराव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा. चिल्ड्रन् हे कृष्ण ऐ वांट टू रिपीट translation.
Vedanta Swami Srila Prabhupada. Humility, pridelessness, nonviolence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even-mindedness amidst pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge. Besides this, whatever there may be is ignorance. हरे कृष्ण और हार्दिक स्वागत है. तो एक छोटा अनाउंसमेंट है, हमारे बीच में उपानंद प्रभु उपस्थित नहीं है, हम सब देख सकते हैं. तो उपानंद प्रभु मदर मदर उपानंद प्रभु मदर जो जो 90 साल के हैं अभी, बहुत दिन से बेड रिडन थे, स्वस्थ से उन्होंने आज देह को त्याग किए हैं. तो सब डिवोटीज से विनती है, हम सब एक बार आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उपानंद ब्रजेश प्रभु सबके लिए बहुत प्रिय है. तो उपानंद प्रभु के मदर के लिए हम सब प्रे कर सकते हैं, जहाँ भी हो शी माइट गेट गुड डेस्टिनेशन, कंटिन्यू हर डिवोशनल सर्विस. Secondly, हम सब ने जस्ट बहुत महत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा को ये किए हैं. तो कार्तिक में ही हम सब लोग देख रहे थे, हर दिन शाम में कोई ना कोई डिवोटी के घर में देवदान का प्रोग्राम हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा तो वृक्षा वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा था, ले रहा था और वो लोग प्रसाद बनाते सब डिवोटीज को अच्छा से सेवा कर रहे थे. तो सब डिवोटीज जो भी इसमें भाग लिए हैं, सबको वृक्षा की ओर से धन्यवाद. क्या सबके ऑपरेशन से ही ये हो सकता है, सब डिवोटीज इतना एक्सटेंड किए. मैं तो बहुत कम प्रोग्राम अटेंड किए, मुझे बात करने का भी लायक नहीं, फिर भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है. तो बहुत डिवोटीज ऑफिस के बाद 7 o'clock ऑफिस फिनिश करके फिर घर जाके फ्रेश अप होके फिर फैमिली को लेके जहाँ प्रोग्राम था तो वही आते थे, लाइक दीपक कदिर प्रभु एंड माता जी, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम करेक्ट. लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, लास्ट ईयर ऑल्सो देवर most consistent attending family, जहाँ भी हो full family एक के साथ. जो वैसे बहुत सारे devotees है, इसलिए नाम रतन also example है, I have seen. तो जिम के भी घर में होता है definitely Prabhuji will be there with Mataji and Chandru Chaturvedi and Chandru. और जितना लेट होता है धीरे धीरे बहुत लेट होता था, 10:30 कभी कभी 11 o'clock भी होता था, जब पहुँचते एवरी डे एक्सटेंड और उसके बाद सुबह जब सेशन. सो बहुत लोग गणेश के एक बार मेरे से आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि इसे कैसे हो सकता है, नवीन माधव प्रभु कल मैं जब निकला तो नवीन माधव प्रभु रहे थे, वाइंड अप कर रहे थे, फिर सुबह में देखा है कुछ बैठा है, कोई इतना नहीं बता रहा था प्रभु. दीपदान बहुत अच्छा से हम हर साल हो रहा है, नेक्स्ट ईयर भी होगा, तो आप सबका शायद हमको अच्छा ही. तो एक बार हम सब लोग एक हरे कृष्ण महिमा का चैन करेंगे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
रामा हरे हरे। जैसे कृष्ण बोलते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई डिस्टर्बेंस कभी नहीं है, आदि कोई ना कोई डिस्टर्ब होता है, हम लोग सेल्फ में करता है। तभी कार्तिक हो गया, तभी नेक्स्ट नारता शिलोपाद की जय, शिलोपाद की नारता। तो हर साल के जैसे इस बार भी हमने विस्तार ये सेट किया है और ज्योति माता जी के द्वारा बुक्स भी मंगवा रहे हैं, ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है और सब लोग मतलब प्लान कर सकते हैं, रेडी रह सकते हैं। हर साल के जैसे हम लोग स्टॉल रखेंगे और हर दिन शाम को लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसमें भी आप सब लोग का योगदान चाहिए। जो तो इसके साथ हम आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। ये पांच श्लोक इसमें टोटल 19 क्वालिटीज दिया गया है, 19 क्वालिटीज ऑफ नॉलेज। भगवान ये क्यों बता रहे, भगवान ये श्लोकों की बात कर रहे हैं क्योंकि अर्जुना ने 13 चैप्टर की स्टार्टिंग में भगवान से क्वेश्चन पूछे। तो इसमें भी फर्स्ट श्लोक में अर्जुना ने क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्षेत्र 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 मतलब क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है और ज्ञेय क्या है और नियम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है। तो भगवान ने क्षेत्र मतलब ये जो शरीर है इसको हम क्षेत्र फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, और क्षेत्रज्ञ है ये शरीर के अंदर जो आत्मा है परमात्मा जो रहते हैं वो क्षेत्रज्ञ है, और ज्ञेय ज्ञेय क्या है वो भगवान श्लोक में बता रहे हैं। तो हमने देख सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सुप्रभात बहुत सुंदर से इसको एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज बाय विच वी कैन गेट फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स। सो ये जो 19 आइटम्स है ये सब एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम ये शरीर से मुक्त हो सकते हैं। एक शरीर क्या है, ये शरीर 25 एलिमेंट से बना हुआ एक केज है, केज मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, पिंजरा है, केज है। तो उसमें आत्मा ने उसके अंदर बंधा हुआ है, तो उससे मुक्त होना हमारे मतलब शास्त्रों के हिसाब से हमारा परम लक्ष्य है। तो वो कैसे हो सकते हैं हम, वो ये श्लोक में, इसके लिए हमको एक प्रोसेस चाहिए। वो प्रोसेस क्या है भगवान, वो नॉलेज क्या है, द प्रोसेस ऑफ नॉलेज भगवान ने ये श्लोक में बताया। तो इसमें भगवान पूरे 19 क्वालिटीज देते हैं। तो शास्त्र बताता है कि जैसे हम ये शरीर के अंदर बंधे हुए हैं तो इससे हम बाहर निकलना हमारा परम लक्ष्य है, जैसे हम बता रहे हैं
तो शास्त्र बताते हैं कि जो व्यक्ति जो जीव इसके लिए प्रयास करेगा उसको हम कोविदा बोलते हैं। कोविदा मतलब संस्कृत में एक्सपर्ट, वेरी इंटेलिजेंट। तो हम लोग सोचते हैं भौतिक दुनिया में हम लोग सोचते हैं ये इंटेलिजेंट है, पर शास्त्र के हिसाब से इंटेलिजेंट वो है जो आदमी ये प्रोसेस को जानने का प्रयास करता है। तो इसीलिए भगवान ये प्रोसेस हमको बता रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद में एक सुंदर श्लोक आता है इसके संदर्भ में। उधर बताया क्या है, तो उधर बताया जाता है कि श्रील नारद मुनि के द्वारा तस्यैव हेतु प्रयते तको विदो न तस्य लभ्यते यद् भ्रमताम् उपरि अधः या लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम् कालेन सर्वत्र गभीर रमस। ऐसा बताया गया है, मतलब तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदा, तस्यैव हेतु ये चीज के लिए जो प्रयत्न करता है वो कोविद है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, इज एन एक्सपर्ट। वो कौन, जो चीज के लिए न लभ्यते यत् भ्रमताम उपरि अधः, पर वो चीज ऐसा है कि हम जितने बार भी भ्रमण करेंगे ऊपर से नीचे, मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में कितने बार भी हम ऊपर से नीचे भ्रमण करेंगे वो चीज नहीं मिलने वाली। तो मदस्य लभ्यते वो नहीं मिलेगा भ्रमण करने से, सिंपली ऊपर से नीचे मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सिंपली हम ऐसे भ्रमण करने से हमको वो चीज नहीं मिलने वाला है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, ये प्रोसेस ऑफ नॉलेज। तलभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम। तो अगर किसी को अभी प्रश्न उठ सकता है, अरे ऐसा अगर हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे तो बाकी हमारा दुख और सुख का क्या होगा, फिर हम लोग का हमारा सुख का क्या होगा, उसके लिए भी तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा ना, सुख भी के लिए करना पड़ेगा। तो बता रहे हैं कि तलभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम। तो आपको जैसे आपको दुख मिल रहा है बिना पूछे, वैसे आपको सुख भी मिलेगा, उसके लिए आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी डेस्टेंड है। आप जैसे ये शरीर धारण किए वैसे शरीर के साथ आपको दुख और सुख का भी ऑलरेडी पैकेज आ चुका है, तो वो आपको मिलेगा। दुख कोई पूछता नहीं है, दुख आता है वैसे ही सुख भी कोई पूछेगा नहीं, वैसे भी सुख तो आएगा, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। पर प्रयत्न इसके लिए करना चाहिए जो चीज हमको नहीं मिलता है जितने बार भी ऊपर से नीचे भ्रमण करने से। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कालेन सर्वत्र गभीर, कालेन सर्वत्र, काल से सब कुछ अपने आप आएगा, दुख या सुख उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। पर हमको जो चीज के लिए टेंशन लेना है कि हम कैसे स्पिरिचुअल बने, ये हमें शरीर से कैसे हम मुक्ति पा सके। तो ये भौतिक दुनिया से ये बॉन्डेज को, ये इससे हमको मुक्ति पाने के लिए जो प्रोसेस है, जो नॉलेज चाहिए हमको, वो नॉलेज भगवान को ये 5 श्लोक में बता रहे हैं। तो इसलिए ये 5 श्लोक बहुत, और ऐसे बताया गया है कि, और प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं कि ये पूरा 5 श्लोक में 19 क्वालिटीज जो बताया गया है, ये 19 क्वालिटीज हम जानने के बाद हमको पाना क्या है, अनन्य भक्ति, वो ये बताया गया है ना, चानन्य भक्ति मई चानन्य योगे ना, सो मई चानन्य योगे ना, ये सब अध्ययन करने के बाद हमको क्या पाना है, ये 19 भगवान के प्रति भक्ति। सो प्रॉपर लिखते हैं कि अगर ये सब क्वालिटीज को बहुत अच्छे से हम एनालाइज करके पढ़ने के बाद अगर भगवान के प्रति अगर भक्ति नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं। अगर हम किसी कोई अगर भगवान का ऑलरेडी भक्त है तो ये 19 क्वालिटीज ऑलरेडी उनमें है। तो श्रीमद भागवतम भी ये हमको ये करता है, शास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वेर गुणेस्तत्र समासते सुरः। जो भक्त होते हैं उनमें जो सुर में जो मतलब देवता में जो भी अच्छा क्वालिटी होता है, जो दिव्य गुण होता है, वो सब ऑलरेडी उनमें मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वैसे ही ये 19 क्वालिटीज भी
ये 19 क्वालिटीज भी ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा जो अनन्य भक्त है. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस इज अनन्य योगेन. और जैसे ये इसका प्रभुपाद इसके ऊपर लेक्चर दे रहे तो एक अच्छा पॉइंट प्रभुपाद बता रहे थे, कालेन सर्वत्र गभीर रम्भसा. जैसे पहले हम भागवतम से बताए थे उसमें बताया गया कि जो सुख है वो ऑलरेडी डिस्टेंड है और वो ऑटोमेटिकली हमको मिलेगा, पर हम इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, उनको हम कोविद बोलते हैं. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन ऐसे ही था, हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन ऐसे था, एवरीबडी इज हैप्पी विथ वॉट एवर देयर पोजिशन वॉज. प्रभुपाद बोलते हैं कि हर कोई कुछ थे, जो वो ब्राह्मणा हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर कोई अपने अपने स्थान पे वो कुछ थे, उनका जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको वो निभाते हुए वो बहुत खुश थे, क्योंकि कोई एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर कोई अपना स्थान पे अपना सर्विस कर रहे थे. कोई अगर शूद्र है तो वो बाकी तीन वर्ण का सेवा कर रहा था, कोई वैश्य है तो वो गो वाणिज्य कृषि कर रहा था, कोई क्षत्रिय है तो वो रक्षा कर रहा था, कोई ब्राह्मण है तो वो शास्त्र को पढ़ा रहा था. तो ये चीज हर कोई अच्छा से निभा रहे थे, तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर कोई खुशी था. तो प्रभुपाद उधर बहुत इंटरेस्टिंगली एक स्टेटमेंट बोलते हैं, बट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इंजेक्टिंग डिसकंटेंटमेंट, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं. बट हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा है कि हमको हमेशा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, हम जो स्थान पे है वो स्थान को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं कुछ कमी है. ये क्यों है? क्योंकि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन ऐसा है, वो हमेशा हमको एडवर्टाइजमेंट्स के दौरान से, नहीं तो मीडिया बाहर जाएंगे तो हमेशा हमको ये याद करता रहेगा कि तुम्हारा पोजीशन में कुछ गलत है, अपडेट हो जाओ, या आप जो यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, नहीं तो आप जहाँ रह रहे हो वो ठीक नहीं है, आप जहाँ काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ. सो मतलब हमेशा हम डिसकंटेंट हो जाते हैं, हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं जो स्थिति पे हम है, इसीलिए हम कभी खुशी नहीं रहते. तो प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग बोलते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इंजेक्टिंग डिसकंटेंटमेंट इन द लाइव्स ऑफ पीपल. तो हम लोग वैसा नहीं करना चाहिए. कालेन सर्वत्र गभीर रमासा, काल के हिसाब से जैसे काल पास होता रहेगा तो जो सुख या दुख हमको मिलना है वो ऑटोमेटिकली हमको मिलेगा, उसके लिए हमको ज्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं. पर हमको इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जो चीज हमको उतना आसानी से नहीं मिलेगा, जिसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, वो है कि भगवान का भक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन. तो उसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में जो जो क्वालिटीज हमको अपने में अपनाना है वो क्वालिटीज को भगवान इधर बता रहे हैं. क्यों? क्योंकि हरो अभक्तस्य कुतो महात्गुना, ऐसा बताया गया है कि अगर भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तो जितना भी महान गुण हमें हो सकता है तो उसका क्या फायदा है. अगर भगवान का भक्त होंगे तो वो बस है. तो प्रभुपाद लेक्चर में एक एग्जांपल देते हैं रावणा का. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि रावणा एक अच्छा परिवार में जन्म था, मतलब एक ब्राह्मण था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, भगवान शिव जी का भक्त भी था, पर वो राम का विरोधी था, तो उससे उनका क्या फायदा हुआ. सो हरो अभक्तस्य कुतो महात्गुना, जो भी अच्छा गुण है वो सब नाश हो गया क्योंकि वो भगवान का विरोधी था. और इधर प्रभुपाद एग्जाम्पल भी बताते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन रावणा सिविलाइजेशन है. कैसे? जैसे रावणा ने क्या किए थे, उन्होंने हेवन को एक स्टेयर केस बनाना चाह रहा था, एक स्टेयर केस, ताकि सब लोग बहुत कंपैशनेट बन के, सब लोग बहुत आसानी से हेवन चले जाए करके उन्होंने एक स्टेयर केस बनाने का प्रयास कर रहे थे, पर ही इज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. तो प्रभुपाद बोलते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन भी ऐसे है, हम क्या सोचते हैं कि हम भी दूसरा ग्रह में हमारे मैकेनिकल मीन्स से हम भी दूसरा ग्रह में पहुंच जाए, ये भी रावणा का टेंडेंसी है, पर शास्त्र के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है.
भगवत गीता के हिसाब से अगर हम कोई दूसरा प्लैनेट में हायर प्लैनेट में अगर जाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। क्या है वो प्रोसेस? यान्ति देव व्रता देवन पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज मत याजिनो अपिमाम। भगवान बोलते हैं कि यान्ति देव व्रता देवन, अगर आपको देवलोक जाना है तो देव का देवता लोगों का पूजा करिए, अगर आपको पितृलोक जाना है तो पितृलोक पितरों का ये करिए वर्शिप करिए, अगर आपको भूतानि यान्ति भूतेज अगर भूत प्रेत वो लोगों का ये चाहिए तो उनका ये करिए, अगर मेरे पास आना है यान्ति मत याजिनो अपिमाम मध्यांति आजनो अगर मेरे पास आना है तो मेरा भक्ति करिए। तो एक प्रोसेस ऑलरेडी भगवद गीता में बहुत क्लियरली दे चुका है। तो मैकेनिकली हम जितने भी प्रयास करेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। पंतस्त कोटि शतवत्सर संप्रगाम्य वायु रतापि मनसा मुनि पुंगवाना। अगर वायु मतलब हवा के स्पीड में भी अगर हम मन के स्पीड से भी अगर हम जाने का प्रयास करेंगे फिर भी हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? हमारा मन। तो अगर मन के स्पीड से भी अगर हम जाना चाहेंगे तो भी हम कभी नहीं जा पाएंगे, ओनली हम ये प्रोसेस से ही हम जा पाएंगे। अगर भगवान के पास जाना है तो भगवान का भक्ति करना है और अंत में भगवान को याद करना है। अंते नारायण स्मृति, भगवान को अंत में याद करना है और भगवान के पास जाना है, वो दैट इज द प्रोसेस। तो वो प्रोसेस के लिए हमको भक्ति करना है, उससे बिना हम कितना भी प्रयास करेंगे मैकेनिकली सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब हमारे शास्त्र में ऑलरेडी है, तो उसको जस्ट हमको समझना है, हमको उसको अपनाना है बस। तो अभी हम देखेंगे तो 19 क्वालिटीज भगवान ने बताया गया है कि ये 19 क्वालिटीज एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को अपनाते हुए हम भगवान को भक्त बन सकते हैं, अनन्य भक्त बन सकते हैं। तो ऑलरेडी श्रीकांत प्रभु ने कुछ क्वालिटीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं क्या सोचा जस्ट सब क्वालिटीज को जैसे प्रभुपाद एक्सप्लेन किए परपोर्ट में जस्ट शॉर्टली ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे 19 क्वालिटीज एंड विल वाइंड अप। तो फर्स्ट क्वालिटी है अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांतिराजव। सो अमानित्वम, अमानित्वम मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, अगर कोई भक्त बनना चाहेगा तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि वो विनम्र होना चाहिए, वो पहले भगवान का सुप्रीमसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम सोचेंगे भगवान सुप्रीम नहीं है तो हम भगवान का भक्त नहीं बन सकते हैं। तो एटलीस्ट थियोरिटिकली हम भगवान का सुप्रीमसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान का भक्त बन सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और मेटीरियल नेचर ये भौतिक दुनिया ऐसा है कि ये लालसा हम सब में बहुत ज्यादा होता है। किसका? ऑनर, मतलब हर कोई मुझे प्रेज करे, हर कोई मेरे बारे में सोचे, हर कोई मेरा मुझे ऑनर करे, मुझे रेस्पेक्ट दे, हम सबके हृदय में होता है ना, हर कोई मुझे रेस्पेक्ट देना चाहिए। वैसे अगर कभी कभी भगवान का भी रेस्पेक्ट होता है तो हमारे अंदर थोड़ा ये हो जाता है, मन में दोष आ जाता है, क्योंकि क्यों भगवान को इतना ये होता है, रेस्पेक्ट होता है करके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हम्बल बनना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है अमानित्वम का। प्रभुपाद बोलते हैं कि वन शुड नॉट बी एंग्जियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। तो हम लोग बहुत एंग्जियस नहीं बनना चाहिए, हर कोई मुझे ही रेस्पेक्ट दे, मेरे ऊपर अटेंशन फोकस करे करके, तो हम लोग हमेशा हम्बल रहना चाहिए। और तो एक बार इस राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि ह्यूमिलिटी मीन्स ऑनेस्टली एक्सेप्टिंग अवर ट्रू पोजिशन। तो बताते हैं कि त्रिपाद विभूति एक पाद विभूति, भगवान का
भगवान का जितने भी पूरा क्रिएशन है उसमें त्रिपाद है भगवान का आध्यात्मिक जगत और उसमें एक पाद है भौतिक जगत, मतलब 3/4 इज भगवान का वैकुंठ लोकस और 1/4 इज हमारा भौतिक दुनिया। तो उसमें भौतिक दुनिया में कितने हैं लोक है, अनंत कोटि। मतलब अगर कोई एक बैग में बहुत सारा मस्टर्ड सीड्स हम भरेंगे उतना सारा बिलियंस एंड बिलियंस अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसमें हमारा एक। उसमें भी गैलेक्सीज सो मेनी प्लैनेट्स, उसमें हमारा एक अर्थ प्लैनेट है। वो अर्थ प्लैनेट में देयर आर सो मेनी कॉन्टिनेंट्स, उसमें हमारा एक, उसमें वो कॉन्टिनेंट्स में एक से एक बहुत सारा देश है उसमें हमारा एक देश है। ये देश में बहुत सारा स्टेट्स है उसमें एक स्टेट है, उसमें बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा टाउन है उसमें एक टाउन है, और वो टाउन में बहुत सारे प्लेसेस आर देयर, बहुत सो मेनी स्ट्रीट्स बहुत सारा है, उसमें हमारा एक 104 एरिया है। उसमें 104 एरिया में इतना सारा गली में एक गली में एक छोटा घर में हम रहते हैं। तो अगर हम वैसे सोचेंगे तो हम कितना माइक्रोस्कोपिक वी आर, पर हम सोचते हैं कि हम बहुत माइक्रो, हम बहुत बड़े हैं। तो बोलते हैं कि एक्सेप्टिंग अवर ट्रू पोजिशन और एक्सेप्टिंग द पोजिशन ऑफ लॉर्ड, ये अमानित्व। सो हम हमेशा हम्बल होना चाहिए। तो सेकेंड इज अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। तो कोई वेरी इंटरेस्टिंग एक डेफिनेशन देते हैं प्रभुपाद अहिंसा का, कोई बता पाएंगे क्या? पहले भी एक बार हम लोग डिस्कस किए थे, वेरी वेरी यूनिक डेफिनेशन प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं अहिंसा का। डिवोटीज कोई बताएंगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं अहिंसा? मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि अहिंसा मतलब ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं अहिंसा मतलब किसी को मारना या किसी को ये करना, किसी को ये मतलब कोई हार्म पहुंचाना, ये अहिंसा है। पर प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रचार नहीं कर रहे हो तो आप हिंसा कर रहे हैं। कितना प्रोफाउंड है देखो, मतलब प्रभुपाद बोलते हैं कि क्यों, क्योंकि जीव जो है ये भौतिक दुनिया में आके भगवान को भूल चुका है, उसके वजह से उन्होंने इतना दुख भोग रहा है, और आप क्या कर रहे हो, वो दुख वो भोग रहा है, हम देख रहे हैं वो दुख भोग रहा है, और हमको पता है कि वो क्यों दुख भोग रहा है, क्योंकि वो कृष्ण को भूल चुके हैं, कृष्ण को भूल गया इसीलिए वो दुख भोग रहा है। वो चीज कैसे, तो हमको पता चल गया, पता चलने के बाद भी हम उनको बता नहीं रहे, करेक्ट ना ब्रो? मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, वो दुख भोग रहे तो हम देख के चुपचाप रह रहे हैं, वो हिंसा है। मतलब वो इतना दुख हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई कुछ काट रहा है, हमको पता है उनको कुछ काट रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, वो पीछे है कुछ काट रहा है, वो देख रहा है, हम लोग पीछे काट रहे, फिर बोल रहे हैं नहीं नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, क्या हो गया आपको, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं है, फिर ऐसा अगर बोलेंगे तो हम हिंसा कर रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन प्रभुपाद गिव्स। तो अहिंसा मतलब अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो हम हिंसा कर रहे हैं, और अहिंसा मतलब भगवान का प्रचार। सो अनलेस वन एलिवेट्स अदर्स टू स्पिरिचुअल नॉलेज वन इज कमिटिंग वायलेंस। तो हम कोई अभी हाथ उठा के नहीं बोल सकते हैं कि मैं अहिंसावादी हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब भी हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि हम सब भी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं to the full extent. तीसरा क्या है, टॉलरेंस। अमानित्वम अदम्यत्वम अहिंसा, सॉरी सेकेंड इज टॉलरेंस अदम्यत्व। तो टॉलरेंस मतलब क्या है, टॉलरेट करना। सो हम ये भौतिक दुनिया ऐसा बनाया गया है कि तुमको हमेशा बहुत सारे इंसल्ट्स, बहुत सारा अपोजिशन आएगा, फिर भी हम उसको टॉलरेट करना चाहिए, हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होगा, जो स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, जिनमें ये क्वालिटीज होगा, जो भक्त होगा, वही डिस्टर्ब नहीं होगा। अदरवाइज कोई
भौतिक दुनिया का अगर कोई व्यक्ति होगा तो छोटा भी कोई किसी का डिसऑनर कर दिया तो वो इमिडिएटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिफ्थ चैप्टर ऑफ भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है इसके संदर्भ में। उधर बताया गया कि शक्नोति इहैव षोडुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त सुखी नरः। तो बहुत इंस्ट्रक्टिव वर्स है हम सब लिए। इधर बताया कि शक्नोति इहैव षोडुम, हम सब लोग ये प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? टॉलरेट करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक प्राक शरीर विमोक्षणार्थ, जब तक ये शरीर हमारा साथ है तब तक, मतलब एक दिन नहीं दो दिन नहीं, जब तक हमारा शरीर हमारे साथ है, मतलब जब तक मृत्यु नहीं आएगा तब तक हमको टॉलरेट करना, प्रैक्टिस करना चाहिए। शक्नोति, प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों? काम क्रोधोद्भवम वेगम, क्योंकि ये दुनिया ऐसा है कि हमको हमेशा काम और क्रोध से बहुत सारे वेग उत्पन्न होते ही रहेगा। वो नेचर ऐसा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं अरे मैं क्या करूं प्रभु इतना तीव्रता उधर इसलिए मैं वो संस्कृत क्वेश्चन कर दिया, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये दुनिया का नेचर ही ऐसा है। पर हम लोग टॉलरेट करना चाहिए, जब कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा हम लोग टॉलरेट करना चाहिए। प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त सुखी न रहा। ऐसे जो व्यक्ति युक्त होगा, ऐसा जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा, सुखी न रहा वही सुखी है। तो हम सबको सुखी चाहिए, तो फॉर्मूला फॉर सुख कृष्णा ने बता रहे हैं भगवद गीता में, फॉर्मूला फॉर सुख इज टू प्रैक्टिस टॉलरेंस। हम लोग को जस्ट टॉलरेट करना सीखना चाहिए बस, और कुछ नहीं। टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट, जितने भी प्रॉब्लम्स आएगा टॉलरेट, और जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का इच्छा आएगा टॉलरेट, तो टॉलरेट करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बेस्ट एग्जाम्पल, उनसे ज्यादा कोई टॉलरेट नहीं किया। हिरण्यकश्यपु ने उनको इतना टॉर्चर किया, कितना तरीकों से उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया, फिर भी प्रहलाद महाराज ने टॉलरेटेड टॉलरेटेड टॉलरेटेड, वो बहुत हम्बली वो टॉलरेट करते रहे और भगवान का आश्रय लेते रहे। और हम भी, बहुत सारा इम्पेडिमेंट्स आएगा हमारे जीवन में भी भक्ति करने के लिए, कभी हमारा रिलेटिव से, कभी हमारे फैमिली मेंबर से, कभी हमारे ऑफिस के कोलीग से, हमारे नेबर से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इम्पेडिमेंट्स आएगा, फिर भी हम लोग हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम टॉलरेट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो फोर्थ है शांतिर, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? विदाउट डिप्लोमेसी, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई डिप्लोमेसी के बिना काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद लिखते हैं कि दिस इज मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी, बिकॉज इसके बिना हम गुरु को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे हृदय में कोई डुप्लीसिटी है तो हम वो डुप्लीसिटी को लेके गुरु के पास नहीं जा सकते हैं, और अगर गए तो भी हम उनको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और उनको प्रसन्न किए बिना हम भगवान को पा नहीं पाएंगे। तो इसलिए सिंपलिसिटी प्रभुपाद बोलते हैं कि इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। तो फिफ्थ भगवान बताते हैं कि आर्जवम, क्लीनलीनेस। तो हम क्लीन होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? हम सब तो क्लीन है, हर दिन हम स्नान करते हैं दो बार तीन बार। तो दो क्लीनलीनेस प्रॉपर लिखते हैं उधर परपोर्ट में, एक है इंटरनल क्लीनलीनेस, एक है एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। सो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस को हम हर दिन करते हैं, हमारे शरीर को हम बहुत अच्छे से सजाते हैं धोते हैं सब करते हैं। पर इंटरनल क्लीनलीनेस क्या है? हम हमारा हृदय को, हम जितने बहुत बहुत जन्मों से बहुत कर्म कर चुके हैं उसके वजह से हमारा माइंड और हमारे हृदय बहुत अनक्लीन है, तो उसको भी धोने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम हमारे शरीर को धोते हैं तो उसको हम कैसे धो सकते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम। तो हम भगवान का नाम स्मरण करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए हम हमारे मन के
मन के ऊपर जो मलिन है उसको हम धो सकते हैं। तो शंकराचार्य जी भी गीता मात में बोलते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो गीता अमृत स्नान हमको करना चाहिए, जैसे हम लोग जल से स्नान करते हैं ये शरीर को साफ रखने के लिए, वैसे हृदय को साफ रखने के लिए हम भगवान का नाम जप करना चाहिए और भगवत गीता पढ़ना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। तो पास्ट कर्म की वजह से बहुत मलिन हो चुका है हमारा हृदय, तो उसको हम क्लीन करना चाहिए। तो सिक्स्थ क्वालिटी बताते हैं भगवान, स्थैर्यम। तो स्थैर्यम मतलब क्या है? स्थैर्य मतलब स्टेडीनेस। सो स्टेडीनेस मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन। हम भगवान का भक्ति करने का डिटर्मिनेशन होना, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारा फॉल्स या बहुत सारा प्रॉब्लम्स, ये सब को हम क्रॉस करते हुए हमेशा हम स्थैर्य स्टेडीनेस रखना चाहिए। तो वो प्रभुपाद बताओ, कृष्ण जी ने बताते। नेक्स्ट है, उससे पहले आचार्य उपासनम। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य उपासना मतलब एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु को एक्सेप्ट करना, तो इससे बिना हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आचार्य उपासना, आचार्य को हम उपासन करना चाहिए, उनको हम एक्सेप्ट करना चाहिए। तो प्रपद लिखते हैं एक्चुअली, इफ वन एक्सेप्ट्स दिस प्रोसेस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्रोचिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ एग्जिस्ट। तो ये जो प्रोसेस है उसमें से फर्स्ट ये है करके प्रभुपाद बोलते हैं कि हम किसी से मतलब गुरु से हम जानना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपाते न कृष्णेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्व दर्शिना। जो ये तत्व को ऑलरेडी दर्शन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उनसे जाके हम इसको जानना चाहिए और उनका सेवा और परिप्रश्नेन के द्वारा हम प्रोसेस ऑफ नॉलेज को समझने का प्रयास करना चाहिए। सेवेंथ है, एथ है, आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह मतलब इसको यूज करेंगे ऐसे रखना है, हरे कृष्णा, इसको भी कर देंगे हम। हरे कृष्णा, फॉरगिव अस सम टेक्निकल एडजस्टमेंट। तो भगवान नेक्स्ट क्वालिटी बताते हैं हमारे ये प्रोसेस ऑफ नॉलेज में, आत्म विनिग्रह मतलब क्या है? हम हमेशा हमारे इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे शास्त्र में इसके प्रति बहुत बहुत गंभीर से इसके प्रति इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बताया गया है कि बहुत बहुत सारे उपमान से हमको इसको समझाने के प्रयास करते हैं। कैसे है, एक द सेंसेस आर लाइक सर्पेंट, एक विष पूरित एक सर्प जैसा है हमारा सेंसेस, क्योंकि वो भी हमेशा इतना चंचल रहता है जैसे एक सर्प के जैसा, ये भी इतना चंचल रहता है और हमको बहुत सारा अनर्थ करने का हमको ये करता है। तो इसीलिए हम उसको हमेशा उसको हम हमेशा कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद सेकंड चैप्टर के एक परपोर्ट में लिखते हैं कि एक भक्त जो भक्ति करते हैं उनका सेंसेस कैसे हो जाता है, जैसे एक जो सर्प है उसको अगर वो पॉइजनस फैंग्स को निकाल देते हैं तो वो सर्प से कोई कोई डरता नहीं,
कभी कभी वो स्नेक वाला वो लेके आएगा, वो कोई डरता नहीं क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि इसका वो विष निकाल चुका है, तो अगर वो काटेगा तो भी कुछ नहीं होगा। वैसे जब सेंसेस भगवान का भक्ति में ये होता है, युक्त तो होता है, तो वो दे बिकम लाइक ए स्नेक विदाउट दिस पॉइजनस फैंग्स, तो कोई उससे कोई हार्म नहीं होगा। तो प्रभुपाद उधर लिखते हैं आत्म विनिग्रह में, प्रभुपाद लिखते हैं कि हम हमारे लाइफ को ऐसे हम लोग डिजाइन करना चाहिए कि हम कभी हमारा मतलब हम कभी ऐसा काम नहीं किए करे जो हमारा भक्ति के लिए डिटरमेंटल बने। मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हम ऐसा पाथ में नहीं जाना चाहिए, हम प्लान भी नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि ऑलवेज प्लान में ही उसको काट दो, नहीं तो हम सोचेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं जाके देखूंगा तो डेफिनेटली हम उधर फंस जाएंगे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में। इसलिए हम वो प्लान करना ही नहीं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन प्लान ही नहीं, प्लान में ही उसको छोड़ देना चाहिए। अगर कोई बोलेगा कुछ प्लान करेंगे ऐसे, नहीं वो प्लान में ही उसको हम स्टॉप करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इज डिटरमेंटल टू अवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जो भी हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए प्रतिकूल है, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम, जो भी प्रतिकूल है उसको हम त्याग करना चाहिए, जो भी प्रतिकूल है, तो उसके लिए हम वैसे हमारा लाइफ को हम प्लान करना चाहिए। तो वो दैट इज आत्म विनिग्रह। और नेक्स्ट है वैराग्य। तो वैराग्य प्रभुपाद बोलते हैं कि रियल रिनाउंसिएशन इज टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच आर फेवरेबल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड रिजेक्ट एवरीथिंग विच इज अनफेवरेबल। तो जो भी हमको प्रतिकूल है वो सबको हम त्याग करना चाहिए और जो अनुकूल है उसको हम अपनाना चाहिए, वही सच्ची वैराग्य है। ऐसे नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं कि वैराग्य मतलब सब कुछ त्याग कर दो, ऐसे नहीं है। जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हम यूज करेंगे। लाइक हम प्रभुपाद के जीवन से भी देख सकते हैं, प्रभुपाद ने बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, एवरीथिंग प्रभुपाद यूज किए हैं, पर ओनली इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद ने जो भी यूज किए हैं, लक्ष्मी यूज किए हैं, तो लग्जूरियस कार्स, नहीं तो टेक्नोलॉजी, ये सब यूज किए हैं, पर ओनली फॉर द प्रीचिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओनली भगवान का ये नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। तो वैसे दैट इज रियल रिनाउंसिएशन। और ये कैसे आएगा, तो प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं कि वैराग्य हम कभी तभी हम ये कर सकते हैं जब हम हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे सब इंद्रियों में बहुत पावरफुल इंद्रिय होता है हमारा जिह्वा, टंग, तो इसको हम कंट्रोल करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जिह्वा से हम दो चीज कर सकते हैं, एक उससे बोल सकते हैं, वाइब्रेट बोल सकते हैं, और कुछ खा सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब बोलने के बाद आता है तो या हम क्या बोलना चाहिए, ओनली कृष्ण का संबंध में कुछ बोलने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद उधर एक लेक्चर में सुन रहा था श्रवणम कीर्तनम, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इस श्रवणम कीर्तनम क्या है, हम अगर ज्यादा भगवान के प्रति सुनेंगे तभी हम ज्यादा भगवान के प्रति बोलेंगे, अगर सुनेंगे ही नहीं तो बोलने का भी बात नहीं उठेगा। तो इसलिए हम ज्यादा सुनने का प्रयास करना चाहिए भगवान के प्रति। तो ये क्या है, भगवान का भक्ति का नौ अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्यम आत्म निवेदनम। तो इसमें से बोलते हैं कि द फाउंडेशन, ये नाइन अंग में फाउंडेशन क्या है, श्रवणम और कीर्तनम। जब ये श्रवणम और कीर्तनम हमारा बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सात अंग भी फुलफिल होगा। अगर हम जब हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है श्रवणम और कीर्तनम, तो हमको बाकी सात करने में भी हमको बहुत मुश्किल होगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि तो हमारा सेंसेस को हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना है, तो पहले हमारा जिह्वा को कंट्रोल करना है। जिह्वा का दो लालसा है, एक बोलने का, तो वो बोलने का हम कंट्रोल करना है भगवान के प्रति बोलने के लिए, और दूसरा भगवान का प्रसाद लेने के लिए।
तो वो एक हो गया, नाइन्थ टेंथ हो गया फॉल्स ईगो अहंकार। तो फॉल्स ईगो, तो फॉल्स ईगो क्या है? अहंकार। तो दो प्रकार का अहंकार होता है, एक मिथ्या अहंकार एक सत्य अहंकार। तो मिथ्या अहंकार क्या है? मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, अहंकार वो अहंकर्ता, मैं करता हूं करके सोचना वो मिथ्या अहंकार है। पर उसके अलावा और एक भी अहंकार है, वो सत्य अहंकार है। वो क्या है? मैं भगवान का अंश हूँ और मैं भगवान का सेवक हूँ। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो वो हम समझना चाहिए, तब जाके हम समझ सकते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, वो हमारा अहंकार को ये करेगा। और नेक्स्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमको समझना चाहिए कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख का ये है, दुख दोषानुदर्शन। तो जैसे हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं है जन्म और मृत्यु का, एक्सपीरियंस है पर हमको अभी याद नहीं है, तो वो हम बोल नहीं सकते कि वो बहुत दुख है। पर जरा और व्याधि, जो भी व्याधि और जरा हमको पता है, जरा मतलब वृद्धावस्था और व्याधि मतलब रोगग्रस्त होना, ये सब बहुत दुख है। तो ये दुनिया इससे ही भरा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब जहां भी देखेंगे तो यही हो रहा है, जरा व्याधि। हमारा क्लास स्टार्ट होने के बाद कितने लोग व्याधिग्रस्त हुए होंगे, कितने लोग हॉस्पिटल गए होंगे, कितने लोग अपना देह त्याग किए होंगे। तो ये सब दुनिया में होते रह रहे, बहुत दुख है ये। पर कभी कभी क्या होता है, हम अज्ञान के वश से, इग्नोरेंस के वश से, अविद्या के वश से हमको ये भी पता नहीं कि ये दुख है। हम सोचते हैं कि क्या है इसमें, दुख क्या है, ठीक है हो रहा है, सबको हो रहा है, हमको भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे सोचते हैं, पर इसमें बहुत दुख है। ऐसा बताया गया कि जब हमारा आत्मा हमारा शरीर छोड़ता है तो 40,000 स्कॉर्पियंस एक बार अगर हमको बाइट करेगा तो कितना पेन होगा, उतना पेन होगा करके शास्त्र बताता है। तो उतना दुख है। और व्याधि में भी बहुत दुख है, ये सब हम सबको एक्सपीरियंस है। तो वैसे ये हमको जानना चाहिए कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये दुनिया दुख है, दुखालय शाश्वतम। तो इसका हम सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट डिटैचमेंट टू वाइफ एंड चिल्ड्रेन। तो क्या है, पुत्र धारा गृहादिशु। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि परपोट में हमको अफेक्शन होना चाहिए पर अटैचमेंट भी होना चाहिए। अफेक्शन मतलब क्या है, हमको उनके प्रति हमारा अफेक्शन होना चाहिए कि हम उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देना चाहिए, उन लोग को हम भक्त बनाना चाहिए। पर अगर कभी ऐसा हो गया कि वो अनफेवरेबल बन गए, वो कृष्णा हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए वो बाधक बन रहे हैं, तो हम अटैच नहीं होना चाहिए। तो वो प्रभुपाद उधर बताते हैं। और इसके लिए प्रभुपाद एक अच्छा ट्रिक बोलते हैं, हमारे घर को हम कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं परपोट में, हमारे घर में चार चीज हमेशा होना चाहिए। तो अब हम सब सोच सकते हैं कि ये चार चीज अगर हमारे घर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या, सुबह चैंटिंग हमारे घर में सब लोग के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, भगवद गीता डिस्कशन। तो हमारे घर में भगवद गीता सब मिलके उसके प्रति कुछ डिस्कशन हो रहा है कि नहीं कभी। तीसरा क्या है, डीटी वर्शिप, घर में भगवान का आरती वगैरह भगवान का अर्चन हो रहा है कि नहीं। चौदह, भगवान का नैवेद्य हो रहा है कि नहीं, जो भी खाना बन रहा है वो भगवान को नैवेद्य हो रहा है कि। अगर ये तीन चार चीज हो रहा है तो वो घर वैकुंठ है। मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि अगर ये किसी के घर में ये तीन चार हो रहा है और सब लोग कृष्ण भक्ति में लगे हैं, तो उनको कोई बाहर जाके आश्रम चेंज करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। वो मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। If one could do this, no need to change family life to renounce life, but other way one should immediately abandon. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो अटैच नहीं होना चाहिए, जब टाइम आता है वो छोड़ के भगवान के सेवा में लग जाना चाहिए। तीसरा, we'll conclude shortly. Next है समचित्तत्वम।
तो हमारा चित्त हमेशा सम होना चाहिए, मतलब जब दुख में या सुख में हम हमेशा एक ही जैसे होने का प्रयास करना चाहिए। तो जब अगर कोई सुख हो गया तो हम बहुत ये हो गए, और दुख हो गया तो हम इतना डिसअपॉइंट हो गए कि हम भगवान को भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए, उसके लिए हम हमेशा नवविधा भक्ति का आश्रय ले सकते करके प्रॉपर लिखते हैं। नेक्स्ट अनन्य योगेना, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो भगवान का ये सब क्वालिटीज का एक ही एसेंस है कि हम भगवान का अनन्य भक्ति बने। तो अगर अनन्य भक्ति नहीं बनेंगे, अगर ये सब क्वालिटीज हम प्रयास भी करेंगे तो उससे कोई यूज नहीं है। तो भगवान का भक्त बनना ही इसका ये है। और डिटैच टू वर्ल्ड पीपुल्स एसोसिएशन बताया गया कि विविधता देश नेक्स्ट बताया गया कि जनसंसदी अरतिर जनसंसदी, रति नहीं होना चाहिए बाहर लोगों से एसोसिएशन का, कोई रति नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब भौतिक दुनिया से रति, मतलब जैसे जो जैसे पहले हम डिस्कस किए थे, जो जो कार्य हमारे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उसके प्रति हमारा कोई रति नहीं होना चाहिए। तो उसके प्रति हम अरतिर बनना चाहिए, हम हमेशा भौतिक का जो एसोसिएशन है उससे हम हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। और विविक्त देश सेवितम, और हमेशा हम टेस्ट करना चाहिए अपने आप को कि क्या मैं क्या बोलते हैं सॉलिटरीली मैं भगवान का भक्ति करने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं कि नहीं। मतलब अगर हमको कोई 10 दिन का छुट्टी मिल गया, कोई नहीं है, तो क्या हम इक्विप्ड है कि पूरा हम भगवान का भक्ति कर सके? ऐसा हम लोग ये करना चाहिए, अपने आप को क्वेश्चन पूछना चाहिए। और लास्ट में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, तो ये सब प्रैक्टिस करते हुए हम सेल्फ रियलाइजेशन प्रैक्टिस करने का प्रयास करना चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या है? आत्मा परमात्मा उन दोनों का रिलेशन, और हम वो रिलेशन को कैसा रिवोक करें। तो ये 19 क्वालिटीज है जो भगवान ये श्लोक में हमको बता रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये हमको मतलब जीव को ये पिंजरा से मतलब एक केज से हमको बाहर आने के लिए ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस ऑफ नॉलेज है। तो ये नॉलेज को हम समझना चाहिए। और भगवान बतलाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, एत ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसी को ज्ञान बोलते हैं, और अज्ञानम यत अतो अन्यता, और जो भी दूसरा जो भी है वो अज्ञान है। तो वो हम समझ सकते हैं कि ये एक ही ज्ञान है, अगर ये ज्ञान को हम समझेंगे तो वो काफी है। और जितने भी बाह्य का है वो अज्ञानी है, अगर वो सब हम जानेंगे भी इसको नहीं जानेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, और इसको जानेंगे अगर वो नहीं जानेंगे तो भी उससे कोई नष्ट होने वाला नहीं है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं सब भक्त को मेरा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मुझे ये सुंदर मौका देने के लिए। अगर मैं बोलने में कोई त्रुट हो गया, किसी का मनोभाव को ये हो गया तो मुझे क्षमा करिए, दैट इज ओनली ड्यू टू माय अनमैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो थैंक यू सो मच, श्रील प्रभुपाद की जय। वो क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक वन, अदरवाइज विल वाइंड अप।